चंबा बचत भवन में अनुसूचित जाति उपयोजना की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना के तहत 55,73,000 के प्रावधान के तहत खर्च पर बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने की। बैठक में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए व्यक्तिगत पारिवारिक लाभार्थी योजनाओं, आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करके उनका आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान बोलते हुए जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरियाल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण करने जैसे विषयों के तहत जिला में किए गए कार्यों का ब्यौरा बैठक में रखा गया। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत और जो परिवार हमारे उनको जो है वो इनकी इस समुदाय की उत्पादकता, रोजगार के अवसर व उनके अंतर्गत जो निरक्षरता पाई जाती है उसको दूर करना, साक्षरता को बढ़ावा देना, तकनीकी एवं शिक्षा में प्रशिक्षण दिलवाकर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं रोजगार स्थापित करवाकर जो है वो ये इस योजना का जो था वो उद्देश्य था। जिला चंबा की कुल जनसंख्या हमारी 519,080 है, जिसमें से अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है 111,690 है, जो कि लगभग 21% है पूरे हमारी टोटल डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन का। तो जो 2011 की जनसंख्या है उसमें चंबा जिले में 182 ऐसे गांव है जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40% से अधिक है, तथा 228 गांव है ऐसे जिनमें 90 व्यक्ति या इससे अधिक व्यक्ति जो है इस समुदाय के रहते हैं, जिसके विकास के लिए आधारभूत जो भी विकासात्मक योजनाएं हैं जैसे स्वस्थ है, शिक्षण संस्थाओं का खोलना, संपर्क सड़क आदि का निर्माण करना, लघु सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं भू संरक्षण, ग्रामीण पेयजल योजनाएं, विद्युतीकरण इत्यादि का कार्यान्वयन हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों एवं निगमों के माध्यम से जो है वो किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, सहकारिता, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, हिमी ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम सम्मिलित हैं। सरकार द्वारा इस योजना के कुल जो प्रावधान किया है बजट का 25.19% जो है वो टोटल बजट है हमारे स्टेट का, उसमें से 25.19% बजट जो है वो इस योजना के ऊपर खर्च किया जाता है। तो वित्तीय वर्ष 2019-20 के मैं जो राज्य योजना में 52,55,73,000 रुपये का जो बजट का प्रावधान है, जिसमें से 2019-20,14,09,000 रुपए की राशि व्यय की गई है, जो कि % 39% के करीब है। सरकार के निर्धारित मानक के अनुसार पहले जो क्वार्टर में 20%, दूसरे क्वार्टर में 25%, तीसरे में 30% और जो लास्ट क्वार्टर उसमें 25% जो खर्चना अनिवार्य होता है। वहीं बैठक के बारे जानकारी देते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, जिसके तहत चंबा के बचत भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस बार भी हम लोग लगभग 36 करोड़ के तकरीबन जो है वो पैसा खर्च कर रहे हैं और विभिन्न विभागों को ये पैसा जाता है और अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना के तहत ये पैसा हमारा खर्च किया जाता है। हमने कोशिश की है कि सारा पैसा समय पर खर्च हो और जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो लाभ मिले। इस बार देखिए आप, तो हमने लगभग 21% बजट का प्रावधान जो है वो हमारे आम बजट में भी हुआ है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने समय समय पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, माइनॉरिटीज़, इनके लिए बेहद तवज्जो दी है और मुझे लगता है कि अनुसूचित जातियों के विकास के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए जो एग्रेसिव स्टेप्स माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने लिए हैं, ऐसे पूर्व की सरकारों ने भी नहीं लिए हैं, तो मैं साधुवार और बधाई भी देता हूं जो बजट के माध्यम से जो प्रावधान उन्होंने किए हैं। बात यह है कि अब इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों को करवानी है, वो हम अपना दायित्व भी निभाएंगे, ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त हूं। चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क रिपोर्ट।